वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो बस के वाले माइनक्राफ्ट एंड माइनक्राफ्ट की पिछली वाली वीडियो में हमने बनाया था एक नया घर हमारे विलेजर्स के लिए, जहाँ पे मैंने विलेजर्स ला के नहीं रखे हैं। मैं तुम्हें पहले भाई अपने इस घर का मतलब विलेजर्स के घर का टूर दे देता हूँ, जो भाई कुछ ऐसा दिखता है, जस्ट लुकिंग लाइक व्हाट कैन यू से भाई मुझे नहीं पता। अब बस ये इतना ही है, यहाँ पे विलेजर्स नहीं है अभी। विलेजर्स को हम लेके आने वाले, इसलिए मैंने बहुत सारी रेल की कार्ड्स भी ओपन कर लिए, बना लिए हैं। तो चलते भाई जल्दी से, एंड जितना भी मेरे पास गोल्ड था गाइस, सारा आज गोल्ड ख़त्म हो गया। आयरन और बस 44 आयरन आई थिंक पड़ा हुआ है, जो बाहर की चेस्ट में पड़ा हुआ था। मेरे पास आयरन भी ख़त्म हो चुका है। तो आज सोच रहा हूँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाते हैं एक नया वाला आयरन फार्म। भाई उसके लिए पहले तो हमें जानने पड़ेंगे विलेजर्स, और विलेजर्स लाने के लिए हमें चलना पड़ेगा नीचे, और नीचे पहले से ही एक विलेजर वहाँ पे लटका हुआ है। एक सेकंड गाइस, मैं ये और ट्रैप डोर तोड़ दूँ तो कहाँ अटक रहा है भाई मेरा प्लेयर, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, प्लेयर अटक तो कहाँ हो। ओके गाइस, अब हम चल रहे नीचे। एक सेकंड, मैं एक चीज़ भूल गया, मैं रेल कार्ट भूल गया भाई। अगर मैं रेल कार्ट के बिना लाऊंगा कैसे विलेजर्स को ऊपर, भागो भाई भाग भाई, जल्दी चल ले मेरे भाई, जल्दी चल ले। ओके गाइस, ये हम पहुंच गए, बस 44 मेरे पास पड़ा हुआ था यहीं पे भाई, कहीं पे तो था यहीं पे। और ओके भाई, बहुत डेंजर ये साउंड कहाँ से आ रहा है नीचे से। मुझे इस एक्टिवेटर रेल की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस फोकट का गया, रेड स्टोन मेरा वेस्ट कर दिया गाइस। अबे कहाँ रख दिया था भाई मैंने, पिछली बार कहीं पे तो रख दिया था, अब मुझे नहीं मिल नहीं रहा। एंड पिछली वीडियो के बाद भाई मैंने अपना जो फार्म है ना भाई, ऑटोमेटिक फार्म, उसे पहली बार चला के भी देखा था, जो बिल्कुल सही चल रहा है। डायमंड पड़े हुए हैं भाई, इधर भी नहीं है। आयरन कहाँ गया, और आयरन भाई मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मेरी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, मैं कहीं और क्यों ढूंढ रहा हूँ। ठीक है भाई, अभी वहाँ पे जाने का कोई टाइम नहीं है, मेरे को सीधे चलना है घर, घर के अंदर अपना काम करते हैं शुरू। यस गाइस, मुझे चाहिए एक माइन कार्ट, एक नहीं कितने टोटल विलेजेस है, दो कार्ट, जितने कार्ट बन रहे हैं भाई, पाँच चार ना, बस इतने ही कार्ड की अभी ज़रूरत है भाई, दो कार्ड में बना लेता हूँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। अब चलते नीचे, ओके गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे। हमें बस यहाँ से पहले तो कार्ड बिछाना शुरू करना है, और इस विलेजर को ऊपर जाने की बहुत इच्छा, क्योंकि इसका जो क्या है भाई जॉब है वो ऊपर ही लगा हुआ है, तो ये हर वक्त ऊपर देखता रहता है, गलत मत समझ लेना, तो वरना बोलोगे भाई माइंड स्ट्राइक भाई ने इसे ट्रैप कर दो, मतलब इसे ऐसे ऐसे ऊपर लेके जाना जैसे एक सीढ़ी बनी जाए। हटाओ भाई यहाँ से, ये बहुत ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा भाई, ने मैंने बहुत नीचे इनका रूम बना दिया। भाई एक इंसान बैठ के जाएगा आराम से, इसमें जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इनको ट्रैप व्रैप नहीं किया भाई, यहाँ पे तो मेरी पूरी पूरी खान पड़ी हुई है, यहाँ पे तुम देख ही सकते हो भाई, ये मैं इसे कोल खान बोलता हूँ, कोल की खान माइन। आगे जाने के लिए हमें वैसे भी माइन नहीं करना है, तो करते रहते हैं माइन। भाई इस डट के भी अहो भागे, अब क्या ही बोलूं। इसकी आँख खाओ 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 कर रही है अब से, है क्या मेरे पे सोवेल पड़ा हुआ है, बहुत बहुत डैमेज सोवेल है मेरे पास वैसे। हो गया भाई, बहुत सारा क्लियर हो गया, अब इसे यहाँ से हटा देते, पर अब गिरना नहीं है, तो थोड़ा देख के हो सकता है भाई नीचे अगर इसे खाली वाली हो जाए फिर हो जाएगा भाई खेला खत्म। जल्दी से ऊपर लेके चलते हैं भाई, थोड़ी सी लाइट लाम दो भाई,
और क्या बारिश के आसार बन रहे हैं गाइस। और अगर हाँ तो भाई हो ही रहे होंगे। चल ले भाई ऊपर। एक एक बस एक और एक और। बाद में इसे भर देंगे, अभी इसमें इतना टाइम नहीं है कि भाई इसे भरने बैठूं। बस चार छह ब्लॉक और ऊपर। एक टॉर्च गिर गई तो से सीधा। ओके तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड इसे सीधे यहाँ से भी लेके चलना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे लगा देता हूँ। ओके बूम। ओके पावर ड्रेल पावर ड्रेल पावर ड्रेल पावर ड्रेल पावर ड्रेल पावर ड्रेल पावर ड्रेल। ऐसे बस इतना लगाते हैं एंड उसके नीचे चलते हैं हम लोग आराम आराम से। ये लगा के दो, उसके ऊपर ये 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 और यहाँ से भी सेम पावर ड्रेल। अब बस हमें एक काम करना है गाइस, वो है रेडस्टोन टॉर्चेस बना के लानी है, वो भी बहुत सारी। मुझे नहीं लग रहा भाई इतने ज़्यादा बहुत सारी है हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है। बट हाँ जितना भी हो सके, अभी 44 पड़ा है वैसे मेरे पास। क्या 44 वैसे तो मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे पास। 44 काम तो नहीं लग रहा मुझे वहाँ पे। 44 ही रहा यार। 49 कहाँ पे लग गया भाई, हट जा भाई, बहुत गोल्ड वेस्ट हो गया। मतलब इतने सारे बनाने के बाद ना भाई बहुत सारा गोल्ड लग गया उस पर। अब पहले ये फिर ये एंड फिर चार बन रहा है भाई, इतना से नहीं होगा, और थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें। लेट्स गो, जितना हो सका है गाइस मैंने उतना सारा बना लिया है एंड मुझे फूड की जरूरत पड़ रही है। तो मैं जल्दी से चलता हूँ अपने फार्म पे एंड फार्म से लेके आता हूँ बहुत सारा फूड। ये गाइस देख रहे हो भाई कितना फूड पड़ा है तुम्हारे भाई के पास। मैं अभी 20 उठा लेता हूँ, बाद में 64 की जरूरत पड़ेगी। वैसे रात होने भी वाली है तो मुझे बिल्कुल जल्दी से हो जा भाई, जल्दी से अपना काम हो गया कंप्लीट। अब ले लेते हैं इसे, यहाँ से उठा लेते हैं। आहा गाइस क्या ही स्वाद था, खाने के बाद ऐसा लग रहा है भाई मैंने पहली बार ब्रेड चबाई हो। ओके यहाँ से अब सीधे लेके हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं, समझ जाओ भाई वहाँ पे, वहाँ सीधे वहीं पे चलते हैं इसे पकड़ के। अंडर रात भी होने वाली है, पहले भाई पहले घर चलो, तो उससे पहले हम सनसेट देखेंगे। हेलो सनसेट, वाओ गाइस क्या ही सनसेट है। ऐसा सनसेट अगर तुम्हें रियल लाइफ में दिखता है दिन कमेंट्स में बताओ भाई। सनसेट हो गया, अब चलते हैं घर के अंदर, जो करेंगे करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, वरना अपने विलेजर्स ज़ॉम्बी विलेजर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनल नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है एंड यो तुम्हारे भाई भी चल रहे नीचे। भाई देखो हूँ हूँ की आवाज़ आने अभी शुरू हो गई है, और मैं नहीं चाहता भाई अपने विलेजेस के बिल्कुल भी ड्राउंड वाउंड किसी भी जॉम्बी में कन्वर्ट हो, क्योंकि भाई मेरे को अभी गोल्डन एप्पल के लिए सीधा गोल्ड ढूंढने जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना भाई। एक ये वाली रेल नहीं, दो तीन ये वाली रेल, फिर एक ये वाली रेल, फिर दो ये वाली रेल, फिर एक ये वाली रेल, फिर दो ये वाली रेल। भाई बहुत दूर तक जाना है भाई, अभी नॉर्मल रेल लगाते हैं, धक्का दे देंगे भाई बीच में, क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइस, हमें वही करके चलना पड़ेगा। अभी हटिए महाशय, भाई बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा भाई।
थोड़ा सा हम पास आ तो गए हैं भाई। वैसे ऐसा नहीं बनाना चाहिए तुम्हें। ओके सही से चलते हैं। थोड़ा सा ये वाला रेल भी लगाना पड़ेगा, बाद में से मैं तोड़ दूंगा, टेंशन ना लो। एंड गाइस ये सबको थोड़ा सा प्रिवेंट करना पड़ेगा हमें, मुझे समझ में आ गया है। अबे यार हट, अगर ये लोग ऐसे खड़े रह गए ना, अबे यार गोमा तो कहाँ घुस गई, हट, अबे हट जा, अरे बाहर आ जाओ गोमाता। अब बस गाइस बहुत आराम से होने वाला है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे बीच बीच में जो रेल कार्ट है इसे हटाना पड़ेगा। यस गाइस ये हो गया अपना काम इतना, अब चलते हैं जल्दी से उन्हें लाने के लिए। एंड वो हटाना तो पड़ेगा अभी बीच में, और दो तीन एरिया में हमने बहुत ज़्यादा ये लगा दिया है, हमें पावर्ड। अरे नहीं बारी शिट गाइस, बारिश मतलब टेंशन, समझ लो भाई इनके जॉब्स जाने वाले हैं। एंड अब बीच बीच में हम लोग को बस कनेक्ट करना है यहाँ पे। एंड पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है भाई, ऊपर तक हो रहा है ना। ओ बहन की आंख भाई, क्या क्या बारिश आ रही है भाई। दो रेलगाड़ अलग अलग बैठी है भाई, अबे यार वो सीधे जाके वहां पे पहुंच जाएगी। एक सेकंड हम थोड़ा सा इसे ब्रेक करके सही भी तो कर सकते हैं। सही से अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओके भाई अब इसे पटरी पे लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है हमें। क्या हो गया भाई? ओके गाइस ये वाला एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड भाई मेरे को इतना क्यों डर लग रहा है, ये हैं ये कर रहे हैं ज़ॉम्बी, कहीं और काटना ले भाई किसे, जाओ निकल ला। ठीक है अब ना जा रहे भाई, कैसे ये निकला सीधा जाके अभी वहीं पे, अब जा भाई। एक तो कार्ड बिना विलेजर के आई थी,
ये भाई भैंस क्या हो गया गाइस। फाइनली बहुत सारा काम करने के बाद मेरा जो दिमाग है भाई फट चुका है, और वो चार विलेजर्स ऐसे भैंस की आके भाई आ ही नहीं रहे। उन्हें मैं ट्राई करूँगा कभी फ्री टाइम में से लाने के लिए, बट अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं ये सब हटा रहा हूँ अभी यहाँ से, एंड अभी इन विलेजर्स को हमें यहाँ पे नहीं रखना है, हमें इन विलेजर्स को लेके जाना है नए आयरन फार्म के लिए। पर आयरन फार्म होना भी तो चाहिए ना भाई उसके लिए, तो हम लोग आयरन फार्म बिल्कुल बनाएंगे गाइस। पर अभी थोड़ा सा अभी मैं से ये शॉर्ट हो रहा था, मैं पहले से सही से रख देता हूँ। और मेरे कहाँ गए भाई, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बटन्स। ये बटन्स आर द बेस्ट, मुझे समझ में आ गया भाई, बटन्स आर द बेस्ट, उनसे अच्छा कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। ये ट्राई ही नहीं करना चाहिए था भाई मुझे। बटन्स मैंने बना लिया गाइस, अब चलते हैं वहाँ से सीधे बटन लगाते हैं एक दो। एंड अभी थोड़ा सा पीछे का एरिया में सोचा था क्लियर करने की, बट मैंने सोचा भाई नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आसपास बिल्ड नहीं होना चाहिए जैसे बताया गया है, तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। एक यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक लगा देता हूँ एंड चेक कर लेते चलता है या नहीं। ओके गाइस, इट इज़ वर्किंग। एंड ये जितना भी एरिया है भाई इसे हम लोग तोड़ तोड़ के फिर से ले लेंगे बाद में, अभी अगर ज़्यादा देर करेंगे तो भाई आयरन फार्म नहीं बन पाएगा। चले जा भैंस की आग राइड। बस चार विलेजर्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे दो विलेजर्स है, एक भाई नल्ला है और एक फार्मर है, तो उन्हीं लोग की अभी हमें ब्रीडिंग करवा के जो करना है गाइस। तो जो हम लोग को नया आयरन फार्म बनाना है गाइस, वहाँ पे हम लोग शायद यहाँ पे ना बना पाए क्योंकि उसे थोड़ा सा ओपन एरिया चाहिए, एंड अगर उसके आसपास हम लोग कुछ बना देंगे ना देन वो बहुत ज़्यादा बुरा दिखने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे तो पहले से ही एक दो तीन फार्म है भाई, बीच में इतना एरिया है, बना सकते हैं हम लोग वहाँ पे, बट नहीं भाई वहाँ पे नहीं बन रहा। पर आयरन फार्म तो बनाना ही पड़ेगा भाई क्योंकि आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ भाई उस तरह बनाया जाए। एक सेकंड यहाँ पे क्या बिल्ली घूम रही है, यहाँ पे विलेजर्स की बिल्ली है, तो अभी यहाँ से चलते हैं। भाई हंगर बार थोड़ा सा नीचे आ गया था, पहले तो भाई एक डायमंड की अपनी शोवेल बनाते हैं, इसमें मेरे पास एक भी शोवेल नहीं बची है और अंदर पड़ी है, मेरे घर के अंदर पड़ी है। उस तरह बनाएंगे भाई, बिल्कुल बुरा उस तरह बनाएंगे, इधर बिल्कुल नहीं बनाने वाला मैं। अबे मिल जा भाई, डायमंड कहाँ पड़ा है मेरा, ये रहा गाइस 64 बहुत सारा है वैसे। एक सेकंड, ये रहा, ये भी आ गया। ओके हियर वी गो गाइस, हमें चाहिए 200 वेल। कहाँ गया भाई, स्पेस ही नहीं है भाई मेरे पास इतना। एक कॉम्बाइन कर देते हैं गाइस, किया क्या हो रहा है बे, इतना स्पेस ही नहीं है भाई कुछ आ सके। आ जा भाई, अब थोड़ा सा भाई हल्का किया जाए अपना एरिया सब। ना भी भरा पड़ा है, पहले इन सबको निकालो, भसड़ मच रखी है भाई। वाटर बकेट रहने दो, एक बेड है भाई, इससे ज़्यादा बेड की हमें ज़रूरत है। ये भी रहने दो, ये भी जान दो, ये भी जान दो, ये भी जान दो, ये भी जान दो, इसे रहने दो, हटा दो, इसे भी 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 हटा दो।
और अब मेरा डायमंड वेल उठा लेता हूँ मैं। अब एक और शोवेल बना ली जाए। जस्ट गाइस, जस्ट फॉर थिंकिंग भाई, अगर कहीं पे ख़त्म हो जाए फिर हम लोग को एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। एंड बेड्स, मुझे याद आया भाई, वहाँ पे मैंने 5 बेड लगाए और जो 5 बेड हैं मेरे नीचे पड़े हुए हैं। जल्दी से नीचे चलते हैं एंड एकदम से एक मस्त वाली राइड लेके आएंगे। 5 बेड मेरे थे यहीं पे, यहीं पे गिरे हुए थे, उठा लिया थे क्या मैंने? तोड़े तो थे भाई मैंने, मिल नहीं रहे। चल ले भाई, ये ही होता है भाई, ये लोग बैठ जाते हैं फिर जाते नहीं है, जस्ट लाइक दिस। अरे माँ की, चल ले भाई 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 भाई, भैंस की आँख। और कैसे रिटर्न ना करके आ जाए। आ रहा फुल स्पीड में आ रहा। मैं सोच रहा था उसकी वो ट्रेल तोड़ दूं। अब ये मौज मारते रहे भाई, ऐसे ही मौज मारते रहे तू। हम लोग चलते हैं भाई अपने काम में। अरे बस थोड़ा सा मैं एरिया सही सलामत चाहिए, होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई इसी एरिया को एकदम क्लियर किया जाए। अब मुझे ये वाला साइड भी बहुत ज़्यादा क्लियर करना है, वो वाला साइड भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा। ओके, इतना भी ज़्यादा नहीं है बट होना तो चाहिए भाई। ओके गाइस, ये तो सही है। अब मुझे वैसे 9 ब्लॉक्स का वैसे, अरे यार पहले से सही से देख लेना चाहिए था मुझे, फिर बस आयरन भी नहीं पड़ा, वैसे आयरन लेके आना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पिलर्स यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं मुझे नहीं पता। अरे गौ माता को भी राइड लेनी है क्या? ओके गौ माता, गो गो। ओके मुझे चाहिए थोड़े से आयरन। ये क्या हॉन्टेड सा साउंड आ रहा है भाई तब से। आज के बाद गाइस मैं कभी ईयरफोन लगा नहीं खरीदूंगा भाई, बहुत डर लगता है भाई। आयरन नहीं पड़ा मेरे पास, आयरन कहाँ गया मेरा? ओ ये रहा 24। मैंने ये वाला एरिया चेक ही नहीं किया था वैसे। अब मुझे इसके एक शेयर बनाना है। ओके भाई चलते हैं फिर से बाहर। एंड ओके बाहर आते तो भाई ये तो रात ही हो गई, क्या करा जा सकता है। ए काला घोड़ा कहाँ जा रहा है? ओ ओ, ये तेरा एरिया नहीं है, चल। तो जब रात हो गई तो हम चलते सोने के लिए, बाद सुबह करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है। मैं भगता हुआ चलता हूँ सीधे अभी यहाँ से, बहुत सारा काम है भाई, अगर एक भी काम मिस हो गया तो जाने वाला है भाई, पूरा का पूरा फार्म तो आज बन ही नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो भाई पहले हमें फार्म बनाने के लिए हमें जो जो सामान की ज़रूरत है भाई वो पहले उठा लाते हैं। पहले तो मुझे चाहिए थोड़ी सी लीव्स, क्योंकि डेकोरेशन भी करना है भाई, दिखना चाहिए ना भाई, कुछ तो है अच्छा अपने वर्ल्ड में।
कितना हो गया भाई 48। बस एक स्टैक चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इस वाले से भी दे दो थोड़ा हरा हरा। भाई जो वाला भी अच्छा लगेगा हम लोग वो वाला करने वाले हैं। सब उठा लिया भाई। और भाई बहुत दूर से भी ये अच्छा ही दिख रहा है, वैसे मैं सोच रहा बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था, फिर भी सही दिख रहा है। मैं सोच रहा ये वाले लीव्स, इसके एक स्टैक पहले ही कंप्लीट हो गया भाई। ग्रास की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। ओक लीव्स हैं, ये ओक लीव्स ही अच्छे लग रहे हैं वैसे। ओके गाइस, अभी हम लोग पहले से तो 1 2 3 4 करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग फिर से ख़राब होने वाला है। लिटरली रेड हो गया था भाई, तो यही अच्छे लग रहे हैं मुझे। अभी यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन फिर से 2 3 4 5 6 7 एट नाइन, एंड फिर से ओ बैंड किया। कहाँ से आ गया ये? अरे भैंस की पूछ, कहाँ से आ गया ये? चल बे, गाइस भाई मुझे 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 समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। मेरा वर्ल्ड में कुछ गलत सा हो रहा है गाइस, मैं लिटरली मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? भाई जस्ट अभी सुबह हुई थी गाइस, जस्ट अभी सुबह। भैंस की आग गाइस, मुझे एक कंक्लूजन तुम कुछ कमेंट्स में बताओ, क्या हो रहा है मेरे वर्ल्ड में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ऐसे जोरदार बारिश जस्ट सुबह होती है भाई, ऐसे जोरदार बारिश कहाँ होती है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे इतनी अच्छी जगह से कहीं पे बारिश होती नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये वाला एरिया पहले फुल्ली ऐसे भर देते हैं, वरना भाई कोई विलेजर विलेजर को कुछ हो गया ना भाई। मेरे भाई बहुत अच्छे अच्छे विलेजर्स हैं। ओ बहन की, गाइस क्या हुआ देखा ना भाई तुमने अभी, एंड चिकन स्पॉन क्यों हो रही है यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, मैं गाइस जो सोच रहा हूँ आई थिंक वो सही नहीं हो सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एंड आज की वीडियो भाई इतना हॉरर बन भाई, मुझे चिकन स्पॉट हुई है एकदम मेरे वर्ल्ड में, एंड इतना क्रीपी सा मुझे कभी नहीं लगा भाई मेरा वर्ल्ड। भाई मैं बहुत साल से भाई इस वर्ल्ड में खेल रहा हूँ, एंड तू मत मेरे पास मत था भाई, मैंने कहा रहा आते चिकन भाई साहब। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, चार पाँच दिन हो गए भाई, ऐसे सेम चीज़ें हमारे यहाँ पे हो ही जा रही है भाई। बस जस्ट रात होते ही बारिश बंद हो जाती है, एंड सुबह होते ही बारिश शुरू कहाँ हो जाती है, सुबह होते ही भाई बारिश शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों भाई। ऐसे अगर तुम्हें कोई कंक्लूजन मिल रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ। इट इज अ थंडरस्टॉर्म गाइस, होप गाइस तुम्हें आज की गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी, एंड भाई मुझे अच्छी क्या लगी हो भाई, क्रीपी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ मैं तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एंड भाई लास्ट पार्ट जिसने भी देखा है भाई, गांड फट रही है भाई, मेरी गांड फट रही है लिटरली। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, मिलता नहीं मिल सकता भाई, तो मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।